हाँ भी बच्चों, ऐसे रोड देखे थे कभी? अरे भाई रोड तो देखे हैं, अच्छा। लेकिन ऐसी रूल और रेगुलेशन नहीं देखी। ये देखिए आप रोड है क्या, आप रोड दिखाइए जी, ये जी। देखिए अगर किसी को राइट टर्न होना है या लेफ्ट टर्न होना है तो 1 किलोमीटर से होगा। ये देखिए वहाँ पर जाम लग गया, ऐसा हाँ, नहीं है कि इधर वाले बंदे इधर घुस जाएंगे, इधर वाले बंदे इधर नहीं घुसेंगे। और इस लाइन से कोई भी इंटरचेंज नहीं करेगा, अगर कोई इंटरचेंज करेगा तो 100 मीटर से इंडिकेटर देगा, इंटरचेंज करेगा। देखो ये लाइनें देखो भरी पड़ी हैं, इधर खाली पड़ी है। ऐसा नहीं है कि ये बंदे अब मुंह उठा के इधर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आज हम खड़े हैं दुबई के अंदर, ये देखिए दुबई फ्रेम है, वो उधर आपको दिखाएंगे बुर्ज खलीफा है, वो देखिए उधर, ये देखिए। और यहाँ पर रोड रेगुलेशन हम आपको दिखा रहे हैं, कमाल का मैनेजमेंट है। सबसे अच्छा क्या लगा आपको गुरप्रीत भाई? सबसे अच्छा तो मुझे रूल और रेगुलेशन लगी। रूल और रेगुलेशन मतलब स्पीड से, अगर किसी की ज़्यादा स्पीड है तो वो फर्स्ट लाइन में चलेगा, अगर उससे थोड़ी कम है वो सेकंड में चलेगा जी, फिर आगे आगे चलता चलता, यानी लाइन के हिसाब से चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, स्पीड भी मेरे हिसाब से 120 140 50 तक भी होगी आराम से। ये सिटी के जैसे अंदर है ना, इस पर 80 और 100 की लगभग रहती है, जो बाहर है ना, अच्छा अगर कोई दुबई के बाहर जाता है तो लगभग 150 तक चली जाती है। 150 तक चली जाती है, 150। देखो जी ये आपको यात्रा कराते हैं और दिखाते हैं, और रोड पार करने के लिए ऐसे छोटा सा पुल बना रखा है इंसानों के लिए, बहुत बड़ी बात है जी, बहुत बड़ी बात ये है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए जी, और मेन चीज दोस्तों यहाँ पर है, ये लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है, उल्टी साइड चलते हैं, यानी कि अपने इंडिया से उल्टी साइड चलते हैं। आज हम खड़े हुए हैं दुबई के अंदर, और ये पुल देखिए जी क्या शानदार बना रखा है। इधर आप देखिए बहुत तगड़ा मैनेजमेंट, ये देखिए जी वो सामने आप देख पा रहे हो ना, वो बुर्ज खलीफा है जी, है ना। राम राम बख्शे जी, ये मेरे साथी हैं जी, देख रहे हैं सिस्टम यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त सिस्टम बना रखा है, जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। और यहाँ के रोड्स की मेरे को एक अच्छी बात और लगी है कि यहाँ पर ना जो लोग हैं वो सिग्नल पे भी रुकते हैं, जो बंदा पैदल जाता होता है उसको प्रेफरेंस देते हैं, यानी कि कोई आप ज़ेबरा क्रॉसिंग क्रॉस कर रहे हो ना तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। अपने इंडिया जैसे नहीं है कि पैदल वालों की तो कोई इज्जत ही नहीं है, साइकिल वालों की उनसे भी कम है, मोटरसाइकिल वालों को तो ठोक देते हैं, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, यानी कि सबकी इज्जत है। और बहुत बढ़िया सिस्टम लगा मेरे को। आइए अब आपको उसके अंदर लेके चलते हैं, उसके अंदर लेके चलते हैं, इसको कहते हैं दुबई फ्रेम। एक चीज़ और देखिए, हाँ ये देखिए यहाँ पर आपको लगभग कोई भी छोटी कार नहीं मिलेगी। कारें तो यहाँ पर बहुत महंगी महंगी है, ये देखिए एक से बढ़की एक है, बहुत ही गजब है, बहुत ही गजब। ये देखिए बाइक भी बहुत कम मिलेंगे, बहुत ही कम, सिर्फ डिलीवरी वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। और एक चीज़ देखिए यहाँ पर विदाउट सिक्योरिटी काम होता है, हाँ मतलब कहीं भी बंदा नहीं होता। पार्किंग जैसे लगानी है ना किसी गाड़ी, जैसे अपने टोल नाके नहीं होते वैसे नाका सिस्टम लगा रखा है, ये देखिए मतलब कि बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है जी, ऑटोमेटिक है, इंसान का कम से कम इस्तेमाल करते हैं। ये रोडवेज देखिए, दुबई रोडवेज देखिए, दुबई की रोडवेज, दुबई की पुलिस देखिए, दुबई की टैक्सी देखिए, एक से बढ़ के एक चीज़ है, एक से बढ़ के एक चीज़। और इस वाले पुल पे हम खड़ के आपको वीडियो दिखा रहे थे, वहाँ से हम आए हैं, उधर से हम आए हैं मेट्रो स्टेशन से, और यहाँ से अब हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं दुबई। दर्शन जी एक चीज़ और देखिए, हाँ यहाँ पे अगर कोई शीशे के ऊपर काला शीशे होता है ना तो वो अलाउड है, यानी चला नहीं। हाँ ये देखिए ब्लैक शीशे, गाड़ी के काले शीशे करके रखते हैं यहाँ पर सभी लोग ना गाड़ियों के, गर्मी होती है ना ज़्यादा। हाँ गर्मियाँ होती हैं, ये देखिए 80% गाड़ी के काले शीशे हैं, रोडवेज के भी लगभग काले शीशे हैं। कोई बैन नहीं है यहाँ पर, कोई बैन नहीं है। परवेज अख्तर ने बिल्कुल सही कहा, इंडिया में उल्टे हाथ गाड़ी चलती है, हाँ अब ये समझने वाले पे डिपेंड करता है, यहाँ पर सीधे हाथ चलती हैं गाड़ियाँ। बिल्कुल आप कैसे ही मान सकते हो, हम ऐसे माने कि हम सीधी चलाते हैं, ये उल्टे साइड ये चलाते हैं, ये तो अपने आप पर डिपेंड करता है भाई। रोड का जो सिस्टम है बहुत तगड़ा है, और यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि ऑटो बहुत ज़्यादा ऑटो हैं, है ना, ऑटो तो यहाँ पर है ही नहीं। हाँ है ही नहीं ऑटो, ऑटो बिल्कुल नहीं है, ना ऑटो है ना डॉग है ना गाय है। कुछ मतलब कि एक्सीडेंट होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं अपने वहाँ पर, तो आवारा जानवर हो बहुत आते हैं, बैल वगैरह, नंदी महाराज, बहुत चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर देखिए जी सिस्टम बहुत तगड़े हैं। दर्शन ये देखिए ये पब्लिक पार्क है, ये पब्लिक पार्क है, और जो कहते हैं कि यहाँ पर रेत ही रेत है, यहाँ देखो जी कितनी हरियाली है, ये देखो
इन्होंने रेत में ही हमारे इंडिया में सब कुछ होने के बावजूद भी हम सफाई और ऐसी ग्रीनरी मेंटेन नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पर बहुत ही गजब। देखिए ये सारे के सारे बहुत कड़ी मेहनत से बनाए हुए चीज़ें हैं, कड़ी मेहनत से। अर्शन जी एक चीज़ और देखिए, ये देखिए, ये आपको कुछ दिखा यहाँ पर क्या? यहाँ पर मिट्टी, यानी मिट्टी नहीं दिखने देते, मिट्टी तो दिखने ही देते, सारा पक्का कर रखा है। ज़्यादा हवा आती है ना यहाँ पर, हाँ हाँ, ताकि धूल ना उड़े। ये देखिए जी प्लांट, देखो आप ये दुबई फ्रेम के दर्शन करो, इसको अंदर लेके चलते हैं आपको कुछ देर में। तो दोस्तों ये आपको एक छोटी सी जानकारी देनी थी कि यहाँ पर क्या मैनेजमेंट है। यहाँ पर ओपन जिम भी है, ओपन जिम। ये दिखाए करने हैं आपको जिम? चलो जिम करते हैं, साइकिलिंग करते हैं। ऐसे ही लगा रखे हैं ना वो, बढ़िया है। रोड के आसपास ऐसी चीज़ें भी बना रखी हैं, काफ़ी अच्छा। आ जाना, हम चल रहे हैं, ठीक है? तुम अपनी गाड़ी में आ जाना। ये देखो जी अपने शेर इस पर लटकेंगे, रहन दे मोटू रहन दे। ये देखो जी बहुत ही ज़बरदस्त, मेरे को तो मैनेजमेंट सिस्टम ही बहुत बढ़िया लगा यहाँ का। ये कह रहे थे ना पार्किंग वाला सिस्टम, कमरे में बंदे पर्चियाँ बांटते रहते हैं, पर्चियाँ का कोई सिस्टम नहीं है। हर गाड़ी में कार्ड लगे हुए हैं और कार्ड भी ऐसे हैं 100 की किलोमीटर की, 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, कितने भी गाड़ी हो आपकी स्कैन कर लेते हैं और हर जगह वही कार्ड का सिस्टम काम करता है। अपने जो फास्ट टैग है ना वो भी नहीं इतनी स्पीड से काम करते। ये देखिए जी फूल वगैरह यहाँ पर, बस कुल मिला के आपको ये दिखाना था जी यहाँ पर बहुत सारी नई चीज़ यहाँ पर ना हैंडीकैप के लिए अलग पार्किंग बनाई है, हैंडीकैप के लिए अलग से पार्किंग, उसको खाली छोड़ रखा है ना, खाली छोड़ रखा। ये नॉर्मल गाड़ियों की पार्किंग है। तो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर के साथ साथ फॉलो जरूर करें। लाइक वाला बटन भी आप दबा देते हो, शेयर वाला भी दबा देते हो बहुत बार, लेकिन फॉलो नहीं करते आप। अगर आपने अभी तक ये तीनों चीज़ें नहीं की हैं तो तीनों चीज़ें जरूर करें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।